विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। जल विजन 2047 विषय पर पीएम बोले, मनरेगा के तहत पानी पर अधिक से अधिक काम हो। सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान के तैनाती पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, बोले नारी सशक्तिकरण का है उदाहरण। जम्मू में 2000 सीआरपीएफ जवान तैनात होंगे, टारगेट किलिंग के बाद फैसला, चुनाव से 10 महीने पहले गहलोत बोले अभी रिटायरमेंट नहीं। राजौरी में सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट, पुलिस को देख भागे 3 संदिग्ध, साथ में था बैग। कश्मीर में जन्मा आतंकी अंगकर आतंकवादी घोषित, भारत में करा इस्लामिक स्टेट को शुरू करने का काम। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम बरकरार, आईएमडी ने बताया 7 जनवरी के बाद शीतलहर से कम मिलेगी राहत। बहुमंजिली भवनों में लिफ्ट दुर्घटनाओं पर सरकार गंभीर, गुणवत्ता जांच के लिए राज्यों को दिए निर्देश। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा शुरू, पश्चिम चंपारण में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। छात्रों की पिटाई के बाद हजार पर एफआईआर, हंगामे से बेखबर जेडीयू अध्यक्ष बोले अब बल प्रयोग करना पड़ता है। अलग जम्मू राज्य का फिर उठा मुद्दा, 21 जनवरी से निकलेगी स्थापना संकल्प यात्रा। मुंबई में 25वीं मंजिल से टूटकर गिरे लिफ्ट हादसे में 20 साल के युवक की मौत, 3 लोग घायल। इंदौर इन्वेस्टर समिट पर बोली सीएम शिवराज, 3 दिन 18-18 घंटे कंपनियों से 1-to-1 करूंगा। जबलपुर में भी दिल्ली के कंझावला जैसा हादसा, बेलगाम ट्रक ने मेडिकल छात्रा को घसीटा, मौके पर मौत। शरद पवार बोले लड़कों को बेरोजगारी की वजह से शादी के लिए दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। दुनिया पर कोरोना संक्रमण की नई लहर का खतरा, चिंतित डब्ल्यूएचओ बोला नए वेरिएंट सबसे ज्यादा संक्रामक। यूपी को जल्द मिलेगी कोरोना की 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन, 28 दिन बाद लखनऊ कोरोना मुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर बोले राम माधव, राम मंदिर की भव्यता कल्याण सिंह की देन। विनय पाठक मामले में एसटीएफ ने शासन को सौंपी रिपोर्ट, अब तक सीबीआई ने आरंभ नहीं की जांच। यूपी के सहारनपुर में एक और मदरसा संचालक पर एसटीएस की नजर, खंगाला जा रहा जेएमबी का नेटवर्क।
ज्ञानवापी प्रकरण में निगरानी याचिका पर टिकी सबकी निगाहें, 18 जनवरी को होगी सुनवाई। बदायूं में कैशियर की दबंगई से परेशान ग्राहक, ग्राहकों ने जिलाधिकारी से की शिकायत, बाद बैंक में डाला ताला। फतेहपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, गर्भवती को लाठी डंडों से पीटा, पिटाई से महिला का हुआ गर्भपात। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में बच्चों संग महिला ने लगाई नहर में छलांग, घरेलू विवाद से नाराज थी महिला, महिला का शव हुआ बरामद। रायबरेली में नववर्ष पर पत्रकारों का सम्मान, डायरी पेन अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मानित। रायबरेली में नहर किनारे मिला अजगर, आसपास के गांव में मचा हड़कंप। औरैया में छात्र का शव एक पेड़ पर लटका मिला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशु, खेतों पर पहरा लगा रहे किसान। चंदौली में छात्रा को अपहरण कर दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में आगामी G20 सम्मेलन के दृष्टिगत होने वाले कार्यों के संबंध में उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि ने किया निरीक्षण, मुख्य अभियंता अवधेश रहे मौजूद। अलीगढ़ में महिला को दबंगों ने मारी गोली, मंदिर में पूजा करने गई थी महिला। बांदा में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा, महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में दो युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में किसानों ने आवारा पशुओं को किया बंद, पाली स्थित कृषि रक्षा इकाई परिसर में किया बंद। बुलंदशहर में गुब्बारे में डिवाइस लटकी देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, एक पक्ष पर मारपीट और धमकाने का आरोप, पुलिस को भी अपशब्द कहने का वीडियो वायरल। फरीदाबाद में मेडिकल स्टोर पर ओआरएस लेने गए एक युवक की मौत, मौत की लाइव तस्वीरें हुई सीसीटीवी में कैद। गोंडा में पुलिस अधीक्षक का फिर चली तबादला, एक्सप्रेस 5 प्रभारी निरीक्षक सहित पीआरओ और थाना अध्यक्ष का स्थानांतरण। गोंडा में बंजर भूमि की पैमाइश होने से नाराज गांव के लोगों ने गांव के प्रधान प्रतिनिधि से मारपीट की। गोंडा में अयोध्या हाईवे पर आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
कानपुर में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से फैक्ट्री कर्मियों में बची अफरा तफरी, आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। लखनऊ में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर विकास मंत्री ने किया निरीक्षण, नगर विकास मंत्री ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने दी श्रद्धांजलि। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित, व्यापारियों को सुरक्षा फोरम ने दिया सम्मानित, दो लुटेरे मुठभेड़ को ढेर में सम्मानित किया गया है। बुलंदशहर में मंचलों के हौसले हो रहे हैं बुलंद, छात्रा का स्कूल जाना हो रहा है मुश्किल, मंचले युवक के खिलाफ छात्रा ने की शिकायत। लखनऊ में शराब पीकर दो रिक्शा वालों के बीच हुआ बवाल, बवाल के दौरान एक दूसरे पर हुए हमलावर। नोएडा में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक कोविड अस्पताल पहुंचे, कोविड को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। बदायूं में साप्ताहिक बंदी के दिन भी मेन मार्केट खुली, डीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही खुलेआम धज्जियां। यूपी में ठंड का दिख रहा है कहर, ठंड बढ़ने से लोग हैं परेशान, कई जिलों में अलाव जलाने के लिए किया गया इंतजाम। वाराणसी के गांव में भी रुक सकेंगे सैलानी, घरों के होम स्टे रूप में कर सकेंगे विकसित। सीएम धामी ने किया युवा महोत्सव का शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीता दर्शकों का दिल। उत्तराखंड को नाबार्ड की 30,000 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने कहा पारदर्शिता से होगा ऋण वितरण। एम्स ऋषिकेश शुरू करेगा देश का पहला एरो मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स, अमेरिका व इजराइल के विशेषज्ञ देंगे ट्रेनिंग। जोशीमठ 500 ज्यादा मकानों में दरार, गुस्साए लोगों ने किया बद्रीनाथ हाईवे जाम, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नवनिर्मित गदरपुर बाईपास एवं खटीमा बाईपास का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर फंसा पेच, सरकार और राजभवन की राय अलग अलग। मसूरी के कैप्टी में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग, शासन ने मंजूर की डीपीआर। हरिद्वार में पतंग की दुकानों पर छापेमारी, पुलिस ने चाइनीज मांझा जलाया। बीसीसीआई ने दी सहमति, लिगामेंट के उपचार के लिए मैक्स अस्पताल से मुंबई पहुंचे ऋषभ पंत। जम्मू कश्मीर में तैनात सैन्यकर्मी ने ऋषिकेश की गंगा में लगाई छलांग, परिजन के साथ जा रहा था घर। प्रिंस हैरी ने आत्मकथा में किया बड़ा दावा, कहा भाई विलियम ने मेरे साथ मारपीट की।
अमेरिका ने 2022 में भारतीय छात्रों को 1.25 लाख स्टूडेंट वीजा किए जारी, टूटे पुराने सभी रिकॉर्ड। मैगजीन शाली अब्दो के विवादित कार्टून से उठा ईरान में गुस्सा, फ्रांस के राजदूत तलब। अमेजॉन कंपनी में हो सकती है 17,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी। ईरानी अभिनेत्री तारा नेहद अली दुस्ती रिहा हिजाब प्रदर्शन के दौरान किया गया था गिरफ्तार। पाकिस्तान बिजली संकट से बेहाल, पीएमओ में बगैर लाइट बैठक की गई। 6,200 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकार ने जारी किया प्लान। पाकिस्तान में 2 आईएसआई अफसरों का कत्ल, होटल की पार्किंग में अनजान शख्स ने फायरिंग की, अलकायदा तालिबान पर शक। सोमालिया के कब्जे वाले क्षेत्रों में झड़प, 20 की मौत और दर्जनों लोग घायल हो गए। गोलीबारी से फिर दहल उठा नॉर्थ अमेरिका। ओटा में एक ही घर में 5 बच्चों समेत 8 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। कोरोना से निपटने के चीन के रवैये से चिंतित हुआ अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने ड्रैगन को दे डाली नसीहत। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी, इस पर 19,744 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी। वरिष्ठ नागरिकों पर सरकार मेहरबान, एफडी सहित कई बचत योजनाओं पर बढ़ाया ब्याज। बैंक लोकपाल के पास एटीएम कार्ड की सर्वाधिक शिकायतें, 4.5 महीने में 1.86 लाख मामले दर्ज किए गए। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों के लिए बदले नियम, नहीं जाना होगा तो नुकसान होगा। बजट से पहले किसानों को ही बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने बताया किसानों की आय होगी दोगुनी। कोहरे और धुंध से थमे ट्रेनों के पहिए, शताब्दी समेत 340 से अधिक गाड़ियां रद्द। इनकम टैक्स भरने वालों को तगड़ा झटका, लागू हो सकता है न्यू टैक्स रिजीम। आईसीआईसी बैंक ने बढ़ाया एफडी पर ब्याज, ग्राहक होंगे मालामाल। नए साल में औदे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियों ने भी दी राहत। वैष्णो देवी जाने वाले को मिला तोहफा, रेलवे ने दिया ट्रेवल पैकेज के लिए, सिर्फ 8,000 रुपए में घूम सकते हैं वैष्णो देवी। स्टीव स्मिथ ने महान डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ा, दिग्गज कप्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। आईपीएल 2023 में ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स को मिला नया कप्तान, सरफराज खान दिखेंगे नए रोल में।
आईपीएल फ्रेंचाइजी डब्ल्यू आईपीएल में खरीदी गई टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने दिखाई रुचि। वृंदावन आश्रम पहुंचे कोहली, अनुष्का बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद, ध्यान भी लगाया। दक्षिण अफ्रीकी लीग के लोगो हूबहू आईपीएल टीम जैसे, अफ्रीका टी20 लीग के मालिकों और बीसीसीआई के बीच टकराव। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में लगी बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा, डबल सेंचुरी बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर है बेलिंडा, दो वर्ल्ड कप जीते। संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, जितेश शर्मा भारतीय टीम में शामिल। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, युवा ऑलराउंडर की होगी सर्जरी। उस्मान ख्वाजा ने सिडनी मैदान पर जड़ा लगातार तीसरा शतक, दिग्गज भारतीय बल्लेबाज के रिकॉर्ड की बराबरी की। युजवेंद्र चहल के समर्थन में उतरा पूर्व दिग्गज वसीम जाफर ने कहा, उन्हें एक मैच में खराब प्रदर्शन करने पर बाहर नहीं कर सकते। फर्जी का टीचर आउट, ओटीटी डेब्यू में आर्टिस्ट बने शाहिद कपूर, कहा मेरी लाइफ का नया फेज क्या लोगों को पसंद आएगा। पठान कंट्रोवर्सी पर सेंसर बोर्ड का बड़ा फैसला, करीब 10 सीन और कुछ डायलॉग्स को बदलने का दिया आदेश, 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। बच्चों की तस्वीर लेने पर बुरी तरह भड़के शाहिद कपूर, ट्रोलर्स बोले फिल्म में मिलना बंद हो गई है लेकिन अकड़ कम नहीं हुई। सुशांत के फ्लैट को 2.5 साल बाद मिला किरायेदार, 5 लाख महीना और 30 लाख की सिक्योरिटी पर बनी बात, सुसाइड के बाद से एक खाली पड़ा था फ्लैट। शहराज गिल ने गुरु रंधावा के साथ कराया रोमांटिक फोटोशूट, फैंस को पसंद आई दोनों की क्यूट बॉन्डिंग। जैकलिन फर्नांडिस ने के माता वैष्णो देवी के दर्शन, फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी, बोली माता के धाम में आती रहूंगी। न्यू ईयर मनाकर मुंबई वापस लौटे सेलेब्स करीना सैफ से लेकर उर्वशी रौतेला तक, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए कई सितारे। शाहरुख खान ने दीपिका पादुकोण को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर किया एक्ट्रेस का पठान लुक। तुनिशा शर्मा के जन्मदिन पर शीजान खान की बहन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा तेरी सुकून वाली तलाश। दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा बोल्ड ड्रेस पहनकर सड़क पर निकली उर्फी जावेद, लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।